हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बाइक्स एंड बॉयज़। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा YGF R125 के बारे में। इसकी हम प्राइस, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यह भारत में कब लॉन्च होगी, और साथ ही डिस्कस करेंगे कि यह भारत में इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है, इसकी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग क्यों की जा रही है कंपनी के द्वारा, और साथ ही यह बाइक इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है इस सेगमेंट में, क्योंकि इस बाइक के अलावा आपको 125 में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं अदर अपकमिंग 125 सीसी की बाइक में। लेकिन फिर भी जो यामाहा R125 की पॉपुलैरिटी है वह अदर किसी भी बाइक की पॉपुलैरिटी नहीं है। यहाँ तक कि यदि हम KTM RC125 की भी बात करते हैं तो वह भले ही मार्केट में है, लेकिन फिर भी यामाहा R125 के आने के बाद मुझे लगता है कि सेलिंग सबसे ज़्यादा यामाहा R125 की ही होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो रिसेंटली ही R15 वर्जन 3 ने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो प्राइस है वह इंक्रीज़ कर ली है, और लगभग 2 लाख के आसपास वह पहुंच गई है। मतलब कई सिटी में तो आपको 1,90,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है, और दिल्ली में भी आपको लगभग 1,80,000 और 1,85,000 रुपए के आसपास ऑन रोड आपको देखने को मिलती है यामाहा R15 वर्जन 3। तो उसकी यदि हम 150 सीसी के हिसाब से प्राइस देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई है। वहीं यदि हम 200 सीसी की बात करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा 200 सीसी की बाइक, यहाँ तक कि 250 सीसी की बाइक भी 2 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में 200 सीसी और 250 सीसी का ऑप्शन होने के बाद 150 सीसी की बाइक की तरफ कोई क्यों जाएगा। तो इतनी ज़्यादा प्राइस में R15 वर्जन 3 सेल हो रही है, लेकिन फिर भी उसकी सेलिंग पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ चुका है, और अब सभी लोग R15 वर्जन 3 को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उसका मॉडल काफ़ी लोगों को पसंद है, इसलिए R125 लगभग सिमिलर मॉडल के साथ में आती है जैसे R15 वर्जन 3 आती है। तो ऐसे में यामाहा R125 के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं भारत में जल्दी ही लॉन्च होने के। हो सकता है कि अप्रैल 2021 में या फिर एंड 2021 तक यह बाइक भारत में लॉन्च हो जाए, और काफ़ी अच्छी प्राइस सेगमेंट पर यह बाइक लॉन्च होगी। अदर 125 सीसी की यदि हम बात करते हैं तो उनसे थोड़ी हाई प्राइस पर ही यह बाइक लॉन्च होने वाली है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आपको अच्छी पावर देखने को मिल जाती है जो कि आपको 150 और 160 सीसी की बाइक में देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं यामाहा R125 के मॉडल, लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। तो इसका लुक्स की यदि हम बात करते हैं तो सिमिलर देखने में लगती है आपकी R15 वर्जन 3, यामाहा R6 और यामाहा R1 के जैसे, मतलब उनसे ही यह बाइक इंस्पायर्ड है। डिज़ाइन के बारे में यदि आप देखें तो इस पर आपको ज़्यादा कुछ ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी आपको MotoGP एडिशन वगैरह इस बाइक में देखने को मिल जाता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अब बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स की। तो इसमें आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 15 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है और 11.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है यह बाइक। इस बाइक में यदि ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको 6-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, 825 mm की सीट हाइट और 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही 142 kg की कर्व वेट के साथ में यह बाइक आती है, और लगभग 11.5 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी राइडिंग रेंज को अप्रॉक्सीमेट 400 किलोमीटर तक कर देती है। इस बाइक की यदि हम टॉप स्पीड की बात करें तो आपको 125 से 130 KMPH तक की इस बाइक में टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, डुअल डिस्क आपको देखने को मिल जाती है, और डुअल चैनल ABS सिस्टम के साथ में यह बाइक आती है। साथ ही इसमें आपको फुल LED सिस्टम देखने को मिल जाता है, और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो वो भी आपको डिजिटल फॉर्म में देखने को मिल जाता है। इसकी यदि हम एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस की बात करते हैं तो लगभग 1,25,000 रुपये के आसपास इस बाइक की एक्सशोरूम प्राइस पड़ेगी, जो कि आपको ऑन रोड 1,40,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी, जो कि अफोर्डेबल रहेगी, और इसमें आपको पावर भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपके साथ एक और किसी वीडियो के साथ में, एक और किसी अपकमिंग बाइक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।